हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। एंड यू गाइस नो कि मैंने यूज किया है जूसी केमिस्ट्री के जो एंटी एजिंग पूरा उनका रेजिम है वो मैंने यूज किया है एंड आई एम स्टिल यूजिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। और कुछ बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं। वन ऑफ देम इज द 100% ऑर्गेनिक ग्रीन एप्पल वाटर। सो दिस इज द वन, मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है। यू गाइस कैन सी उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है एंड द प्रोडक्ट जो उसमें बचा है अभी इट्स अप टू हियर। तो मैंने इतना प्रोडक्ट यूज कर लिया है एंड आई यूज इट ऑलमोस्ट आई थिंक टू टाइम्स इन अ डे। तो यू नो मॉर्निंग में व्हेन आई डू माय स्किन केयर रूटीन, बिकॉज नाउ आई स्टार्टेड यूजिंग गुआशा, तो यू नो इसका ऑयल भी यूज कर रहे थे एंड आई हैड द होल एंटी एजिंग का जो इनका पूरा उसमें आई थिंक 6 प्रोडक्ट्स थे, सो आई वॉज यूजिंग दैट। तो ये जो है खत्म हो गया। आई ऑलरेडी गॉट अनदर वन फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री बट नॉट द ग्रीन टी ग्रीन एप्पल वाटर। आई गॉट अनदर वन दैट आई हैव स्टार्टेड टू यूज यू नो फॉर 1 or 2 days नाउ, बट आई वॉन्टेड टू फिनिश दिस वन ऑफ फर्स्ट बिकॉज जूसी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स यू कैन नॉट जस्ट यू नो keep the products and use it beyond 6 months, so that is why I want to finish this first, even though I'm very very you know excited to start using the other one. So when you use it as a part of regime, so you cannot say ki iska jo part of you know jo isne kaam kiya hai wo kitna percentage ka hai. Right now it's winter, so I don't keep it in the fridge, but when it was not winter time तो तब आई यूज टू कीप इट इन द यू नो फ्रिज। बट यू नो टू से कि ये बहुत अच्छा फेस पे कुछ अलोन ही कुछ कर देगा, आई थिंक दैट्स स्ट्रेचिंग इट। नो फ्रेग्रेंस एट ऑल, क्योंकि जूसी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स जो हैं दैट यू कैन रीड कि उसमें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑल, नो एडिटिव्स, नथिंग लाइक दैट इज देयर। सो दिस इज लाइक द 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट यू गेट, और इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू नो ग्रीन एप्पल की आपको कोई फ्रेग्रेंस आने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये जो है वो स्प्रे बॉटल में आता है। दिस इज गुड थिंग अबाउट यू नो टोनर। मुझे अब वैसे टोनर यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जिसमें कि आपको यू नो स्प्रे ना हो ऑप्शन एंड देन आप यू नो कॉटन सॉप लेके उसको यूज कर रहे हैं, वो तो गॉन आर द डेज जो वो वाले जो टोनर थे वो यूज करते थे। आई लाइक दैट ये आराम से स्प्रे हो जाता है। ओनली प्रॉब्लम इज जब ये अबाउट हाफ और यहां तक आ गया था तो इसका स्प्रे जो फंक्शन है वो उतना अच्छा काम नहीं करता है, सो समटाइम्स वो फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का जो ये स्प्रे का जो भी फंक्शन जो इसका करता है स्प्रिंग वट एवर जो भी है वो थोड़ा सा बेटर लगा सकते हैं। अदर देन दैट वो अच्छा काम करता है एज पार्ट ऑफ द रिजीम, बहुत अच्छा काम किया। आई एम हाईली इम्प्रेस विद द होल एंटी एजिंग की जो उनकी पूरा रिजीम है, सारे प्रोडक्ट हैं उसमें से सम ऑफ द प्रोडक्ट आई एम रीपरचेजिंग। ये मैंने इसीलिए रीपरचेज नहीं किया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई अनदर वन, बट यू नो इसको भी रीपरचेज कर सकते थे। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है मुझे लगता है अच्छा है। इफ यू आर लुकिंग फॉर एंटी एजिंग का टोनर देन दिस इज अ गुड ऑप्शन दैट यू कैन ट्राई ऑन, बट दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज वर्थ रीपरचेजिंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी एंटी एजिंग टोनर देन यू कैन श्योरली ट्राई दिस टोनर। द ओनली थिंग इज जब आप ओपन कर देते हो प्रोडक्ट को यू हैव टू फिनिश इट ऑफ इन विद इन 6 months। सो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास कोई और टोनर ना हो, जब आप डिस्ट्रैक्ट ना हो बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि आई डू गेट डिस्ट्रैक्टेड बट आई मेक श्योर जूसी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट व्हेन आई एम बाइंग आई हैव टू यू नो गिव माय टाइम टू जूसी केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू गाइस।